वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग ऑल राउंडर राखी। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे डोसे। और मैंने जब अपना यूट्यूब पे पहली वीडियो डाली थी उस समय भी मैंने डोसा ही बनाया था, लेकिन प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया था हर चीज, क्योंकि मेरा बेटा स्कूल से आया हुआ था। तो ऐसे ही मैं डोसा बना रही थी तो उसने डायरेक्ट ही मैं डोसा बनाया दिखाया है उसमें। और आज मैंने आपको पूरा सांभर और गोले की चटनी जो बनाते हैं वो भी बनाई है और प्रॉपर तरीके से दिखाया है किस तरीके से, देखिएगा फ्रेंड्स। और इस समय कोरोना की वजह से सभी लोग परेशान हैं और भगवान की जैसी इच्छा है वैसे ही, लेकिन घर में भी हम लोग थोड़ा रूटीन से बोर हो गए हैं और दिमाग में जो टेंशन भी रहती है हर समय। तो एक मेरी छोटा सा भजन सुनिएगा। जमी चल रही आसमां चल रहा है, ये किसके सहारे जहां चल रहा है। जमी चल रही आसमां चल रहा है, ये किसके सहारे जहां चल रहा है। ये रोना ये हंसना ये आशा निराशा समझ में ना आता, ये क्या है तमाशा। ये रोना ये हंसना ये आशा निराशा समझ में ना आता, ये क्या है तमाशा। न जाने ये चक्कर कहाँ तक चलेगा, न जाने ये चक्कर कहाँ तक चलेगा। जमी चल रही आसमां चल रहा है, जमी चल रही आसमां चल रहा है, ये किसके सहारे जहां चल रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपने किचन में चलते हैं और डोसे की तैयारी करते हैं। फ्रेंड्स, हम तैयारी करते हैं सांभर की और बहुत ही सिंपल तरीके से आज आपको सांभर और डोसा बनाना दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने अपने पहले ब्लॉग में, सबसे पहला जो मेरा ब्लॉग बना हुआ था उसमें मैंने केवल डोसा ही दिखाया था, वो भी कोई उसकी तैयारी नहीं थी, सिंपल सा बना के दिखाया हुआ था। इस बार पूरी तरीके से आपको ये बनाऊंगी, देखिएगा सांभर। ये मैंने लौकी ले रखी है 250 ग्राम और गंगा फल है। बस मैं दो ही सब्जियों का इसमें डालूंगी, आप चाहें तो और भी सब्जी कोई भी ऐड कर सकते हैं। और ये मैंने एक हिस्सा अरहर की दाल मतलब एक कटोरी और आधा आधा कटोरी मसूर और चना दाल भिगो दी है। और इसमें इतना ही मैंने आधा किलो ये करीब टमाटर पीस लिए हैं। ये मैं अपने दाल इस कुकर में डाल देते हैं। इसमें चना दाल जरूर डालिएगा, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। और मैं मसूर दाल, अब इसी में मैं ये लौकी डाल देती हूँ और गंगा फल। और सब्जियां डालने के बाद ये मैं टमाटर जो पीस कर रखे हुए थे मैंने वो भी इसी में ऐड कर देते हैं। और इसमें ये पानी डाल देते हैं, ये नमक और थोड़ी सी मैं हल्दी जरूर डालती हूँ, इससे थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है इसमें सांभर का। अब इसको हम सीटी लगा लेते हैं इसमें। फ्रेंड्स, सब्जियां मैंने मोटी मोटी थोड़ा पीसेस करे हैं, क्योंकि ये गलने के बाद थोड़ा घुटने नहीं, इसलिए मैंने साबुत अच्छे लगते हैं सांभर में जो सब्जियां साबुत दिखती हुई सी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये डोसे का मैंने बैटर तैयार रखा हुआ है। ये कटोरी, इतनी बड़ी कटोरी मैंने, तीन कटोरी ये चावल लिए और एक कटोरी धुली उड़द की दाल और आधा कटोरी चना दाल भिगो दिया था 5-6 घंटे के लिए। फिर रात में मैंने ये पीस कर रखा हुआ है और रात भर बाहर रहने दिया। अब फ्रिज में डाल देंगे इसको हम, और जब चाहें आप डोसे बनाइएगा, निकालिएगा। इसका खमीर देखिएगा बहुत ही अच्छा उठा है, ये देखिए इस तरीके से हमें इसे रखना है, इतना पतला बहुत अच्छा इसका खमीर उठे। जितना अच्छा इसका बैटर का खमीर उठेगा उतना ही अच्छा डोसा तैयार होगा। तो ये हमारा रेडी है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये सांभर अपनी जो मैंने पकाई हुई थी, अब इसकी हम तैयारी करते हैं। देखिए सब्जी एक एक आपको साबित दिखेगी,
बहुत ही, अब इसको हम कम से कम छौंकने के बाद करीब 15-20 मिनट तक मैं धीमी आंच पर इसको पकने दूंगी, तभी इसकी खुशबू अच्छी आएगी और अच्छी तरह से जब पकेगी तभी सांभर का टेस्ट अच्छा आता है। अब इसमें हम, मैंने देखिए गैस ऑन कर दी है, इसको हम इसमें हम सांभर मसाला डाल देते हैं। करीब एक बड़ा चम्मच आप सांभर मसाला इसमें डालिएगा, इतनी सांभर में। इधर हम अपनी सांभर को पकने देते हैं जब तक हम इसकी छौंकने की तैयारी करते हैं। ये देखिए मैंने इधर अपना पैन रख दिया है और उसमें ऑयल डाल दिया है और हम सांभर छौंकेंगे। मैंने इसमें ये राई एक बड़ा चम्मच, ये राई डालने के बाद इसमें मैं ये काबुली फ्लेक्स 3-4 ले रखे हैं डाल देते हैं। कई पत्ते का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ज्यादा से डालती हूँ, मुझे पसंद है बहुत। डाल देते हैं, ये देखिए अब हम अपनी सांभर को अच्छे से 10-20 मिनट के लिए पकने देंगे आराम से इसको धीमी गैस पर। कितना अच्छा कलर आया है सांभर का, और पकने के बाद बहुत ही इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। और मैंने इसमें टमाटर 1/2 किलो डाले हैं, इसलिए इसमें खट्टापन आ जाएगा। लेकिन उसके बाद आप, मैं पिसी खटाई का यूज करूंगी, आप इमली का गूदा भी डाल सकते हैं। सबसे एंड में डालूंगी पिसी खटाई, अमचूर पाउडर। अब इसको हम पकने देते हैं। चलिए हम आलू तैयार करते हैं डोसे के लिए। ये आलू मैंने उबाल कर रखे हुए हैं, इनको तोड़ लिया है, और मैंने ये एक प्याज इस तरीके से काट के रखा हुआ है, और ये करी पत्ता, राई है, हल्दी, नमक, धनिया, मिर्चा। ये देखिए हमने इसमें ऑयल डाल दिया है थोड़ा, हम इसमें राई डालते हैं, ये राई डाल देते हैं इसमें। राई थोड़ी चटकने लगेगी, ये देखिए आवाज आ रही है। उसके बाद हम ये करी पत्ता डालेंगे इसमें, करी पत्ता डालने के बाद हम इसमें आलू डाल देते हैं। अब हम इसमें आलू में ये पिसी हुई मिर्च, ये नमक और ये थोड़ी सी हल्दी मैं इसके ऊपर से ही इस तरीके से डाल देते हैं। और ये जो प्याज मैंने काट के रखा हुआ था, ये बाद में इसमें इस तरीके से डालकर इसको बिना इसको प्याज को हम भूनेंगे नहीं, इसी की तरह से हम डायरेक्ट डालना है। इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है और उसमें प्याज का एक एक रेशा दिखता है। देखिएगा इसको भून लेंगे अच्छे से, देखिए फ्रेंड्स आलू मेरे अच्छे से भुन चुके हैं और प्याज भी इसमें जो डाला हुआ था वो हल्का हल्का देखिए दिख भी रहा है और साबुत और गल भी चुका है थोड़ा थोड़ा। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस तरीके से आलू प्याज डालने का। हम ये गोले की चटनी तैयार करेंगे। ये मैंने गोला भिगो दिया है
और अदरक और हरी मिर्च। इसमें आप चने मक्का भी डाल सकते हैं या मूंगफली के दाने का यूज कर सकते हैं। इसको अभी 2 घंटे हम भिगोएंगे, फिर उसके बाद पीसेंगे इसको। देखिए हम अब चटनी गोले वाली तैयार करते हैं। इसमें मैंने भीगा हुआ गोला, अदरक, हरी मिर्च और थोड़े से मूंगफली के दाने और मक्का चने ले रखा है। इसको हम पीस लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा गोला इसके तैयार हो गया है। मक्का वगैरह सब इसमें पीस रखे। ये देखिए मैंने इसमें पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया था, इसमें थोड़ी सी राई डाल देते हैं और उसके बाद ये करी पत्ता। थोड़ी सी सीपी भी में ये देखिए हमने इसमें चौक लगा दिया इस तरीके से और नमक डाल दिया है। ये चटनी बहुत टेस्टी तैयार है। देखिए मैंने अपना नॉनस्टिक दावा रख दिया है और इस कटोरी से देखिए, इस कटोरी से मैं इस तरीके से बैठा तो देखिए आप जितना पतला फैलाना चाहें। देखिए ये थोड़ा सा हम रिफाइन ये ऑयल डालते हैं थोड़ा। देखिए हमने ये आलू जो तैयार किए थे हम इस तरीके से देखिए इस पर आलू हमने इस तरीके से फैला दिए हैं। ये और ये जो टमाटर और प्याज काट कर रखा हुआ था इस तरीके से देखिए, ये देखिए लोटा बहुत ही अच्छा देखिएगा कितना पतला। मैं आपको छेद देखिए बराबर से कितना अच्छा सिक रहा है। ये देखिएगा इसकी इसको इस तरीके से ये फोल्ड कर देते हैं। देखिए देखिए फ्रेंड कितने अच्छे से मेरा डोसा क्रिस्पी तैयार हुआ है। ये देखिएगा बहुत क्रिस्पी बना हुआ है। देखिए आप लोग ट्राई करके जरूर देखिएगा।